हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री मास्टर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक और रेट्रोसिंथेटिक प्रॉब्लम को कंसीडर करेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप केमिस्ट्री मास्टर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये मॉलिक्यूल है जो कि हमारा रेट्रोसिंथेटिक प्रॉब्लम है। इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखें तो आपको इसमें अल्कोहल एज अ फंक्शनल ग्रुप मिलेगा जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। इसके अलावा दो फिनाइल ग्रुप हैं और एक साइक्लोहेक्सेन रिंग यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन या इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जहाँ की हमने पढ़ा था डबल डिस्कनेक्शन अप्रोच में। डबल डिस्कनेक्शन अप्रोच जो होता है वो आपको अल्कोहल के केस में मिलता है। जब भी अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसी कार्बन पे दो सेम ग्रुप जुड़े हों तो वहाँ हमेशा ये कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप इसे डिस्कनेक्ट करेंगे और किस तरह से आप उस मॉलिक्यूल को रीसिंथेसिस करेंगे। तो जब डिस्कनेक्शन की बात आती है तो सर्टेनली आप डबल डिस्कनेक्शन में आपको ये देखना होता है कि जहाँ पे जो मॉलिक्यूल है आपके पास उसमें कौन से दो ग्रुप सेम ग्रुप यहाँ पे आपके जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे पीएच यानी फिनाइल रिंग दो एक साथ जुड़ी है, तो आपने इन दोनों स्ट्रक्चर्स को या इन दोनों कंपोनेंट्स को यहाँ से डिस्कनेक्ट करना होता है। तो डिस्कनेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे बस सीधी सी बात है कि आपको मॉलिक्यूल से पीएच को हटाना है। जब भी आप डबल डिस्कनेक्शन की बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि दोनों सेम स्ट्रक्चर्स को आपने एक साथ डिस्कनेक्ट करना है। तो उस वक्त आप एरो के ऊपर आपको लिखना होता है 2 × जो भी स्पीसीज आप यहाँ से हटा रहे हैं। तो यहाँ आप फिनाइल हटा रहे हैं और यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो आपके पास अल्कोहल है OH, और अल्कोहल के केस में आपको 1.1 डिस्कनेक्शन मिलता है। तो एक्चुअली ये आपका 1.1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन है, लेकिन एक साथ आप दो सेम स्पीसीज को यहाँ से हटाएंगे इसलिए ये आपका डबल डिस्कनेक्शन जनरली कहलाता है। तो यानी कि एक ये पीएच यहाँ से अलग होगा और एक ये पीएच यहाँ से आपका अलग होगा। तो ये दोनों स्पीसीज एक साथ अलग होंगे। जैसे ये स्पीसीज अलग होते हैं तो आपका जो यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो साइक्लोहेक्सेन जैसे का ऐसा रहा, ये OH में कुछ इस तरह से बना रहा हूँ, ठीक है। इस कार्बन से यहाँ पे दो पीएच ग्रुप आपके अलग हो गए हैं। पीएच आपके यहाँ पे दोनों अलग होंगे, दो पीएच अलग हुए हैं इसलिए 2 पीएच, और हर एक पीएच के केस में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये आपको याद रखना होगा। और यहाँ पे जिस कार्बन से ये अलग हुए हैं उसमें आपके 2+ चार्ज आएंगे, ये आपको हमेशा याद रखना होगा। जैसे ये हुआ तो ये आपके 2 सिंथोन्स मिल गए। सिंथोन्स को आप जानते हैं कि आप उनको हमेशा सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज करते हैं। तो सिंपली जब यहाँ पे बात करते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट को शो करने के लिए, आप यहाँ पे ट्रिपल लाइन जनरली आप उनको दिखाते हैं ट्रिपल एरो से। तो जब भी आपका पीएच होता है, पीएच को आपको हमेशा 1.1 डिस्कनेक्शन जब भी होता है अल्कोहल के केस में, आपको हमेशा उसे चेंज करना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। यानी कि यहाँ पीएच के साथ MgBr, MgCl कुछ इस तरह की स्पीसीज आप ऐड करके इसको सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज कर सकते हैं। 2 स्पीसीज है इसलिए आगे से आप 2 लगाएंगे। अब बात करते हैं अल्कोहलिक स्पीसीज की। तो अल्कोहल जहाँ पे आपका जुड़ा हुआ है उस स्पीसीज की अगर हम बात करें तो इस पे आपके पास 2+ है। तो अगर आप हमारा पिछला वीडियो देखेंगे या पुराना हमारा वीडियो देखेंगे जिसमें है कि हमने डबल डिस्कनेक्शन शो किया है, वहाँ पे हमने ये कहा है कि आप क्या करते हैं इनमें से 1+ के साथ तो आप OET लगा देते हैं, यानी कि कुछ OET या OME इस तरह का स्ट्रक्चर लगा देते हैं 1+ के साथ, ये नेगेटिव OET लगा देते हैं। वो दूसरा जो ऑक्सीजन होता है जो यहाँ पे आपका दूसरा जो स्पीसीज है ऑक्सीजन, उसके साथ जो यहाँ पे प्लस है तो उसके साथ वो ऐड हो जाता है, यानी कि यहाँ पे आपको मिल जाता है एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये एच आप यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो यानी कि जब भी आपके पास डबल डिस्कनेक्शन होगा, आपके पास जिस कार्बन से दोनों स्पीशीज सेम स्पीशीज निकली वहाँ पे आप 2+ की तरह से मान सकते हैं, 1+ के साथ आप OET जोड़ेंगे और दूसरे प्लस के साथ आप ये करेंगे ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जोड़ेंगे और ये एच आप मेंटली इसे यहाँ से हटा देंगे। और जो यहाँ पे पीएच है या फिर कोई भी और अल्काइल ग्रुप है तो उस पर क्या करेगा, आएगा नेगेटिव चार्ज जो कि आपका MgBr के साथ या फिर उसके आप हमेशा क्या करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो ये दो आपको सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिलते हैं, आप इनमें से किसी एक को ए मान सकते हैं और किसी स्पीसीज को यहाँ पे बी मान सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कैसे आप इस सिंथेटिक इक्विवेलेंट से यानी कि ए और बी से वापस इसी टारगेट मॉलिक्यूल को पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे।
तो दो स्पीसीज जो आपको मिली थी, एक था आपके पास साइक्लोहेक्सेन रिंग, साइक्लोहेक्सेन रिंग के साथ आपका यहाँ पे एक एस्टर स्पीसीज जुड़ा हुआ था COOET, और इसकी रिएक्शन आप कराएंगे दूसरी स्पीसीज यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसमें है आपके पास PHMGBR, आपका दो स्पीसीज थी, इनमें से पहले एक स्पीसीज एक्ट करेगा फिर दूसरा स्पीसीज यहाँ पे आपका एक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो फिनाइल स्पीसीज होता है वो एक्ट करता है आपके एक कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो न्यूक्लियोफाइल का काम होता है वो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है वहाँ जाके अटैक करता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी देखें तो इस कार्बन पे जिसके साथ दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीसीज जुड़े हैं, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टाइप के स्पीसीज जुड़े हैं, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी कम होती है, तो ये pH जो है वो आपका यहाँ अटैक करेगा, तो इन टर्न आपका ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ को ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ये अटैक होता है सिंपली अगला स्टेप जो होगा आपका वो होगा आपका एडिशन किसका pH का इस कार्बोनिल कार्बन पे। तो स्ट्रक्चर जो बनेगा आपके पास तो फिर से वही आपके पास साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर है जिसके पास आपका OET जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक pH आके जुड़ गया और ऑक्सीजन यहाँ पे पहले से है, ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज जिसके साथ की जो बचा हुआ है MGBR स्ट्रक्चर है वो आके इसको स्टेबलाइज कर रहा है आप कह सकते हैं। अगले स्टेप में फिर क्या होता है कि जो आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है यानी कि जो आपका ऑक्सीजन है वो आपका इलेक्ट्रॉन वापस डोनेट करेगा यहाँ रिंग में या स्ट्रक्चर यहाँ पे वापस डोनेट करेगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन वापस डोनेट करता है और जो एक ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड है जो ये OET वाला बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। तो जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा आपका यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा अब उसको देखना होगा हमें। तो जैसे आपका बॉन्ड बनते हैं और ब्रेक होते हैं तो साइक्लोहेक्सेन रिंग तो आपका सेम रहा, इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन और इसके बीच में आ गया आपका डबल बॉन्ड और अब यहाँ पे आपका एक pH स्ट्रक्चर ऐसे का ऐसा रह गया और जो आपका MGBR है वो आपका OET के साथ यहाँ पे अलग हो गया है। अब आपका जो यहाँ पे स्ट्रक्चर मिला है ये आपको अगर आप देखें कीटोनिक स्ट्रक्चर है, ये कीटोनिक स्ट्रक्चर क्या करता है अगले स्टेप में जो दूसरा बचा हुआ MGBR है यानी कि PHMGBR यानी कि जो आपका दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसके साथ ये जाके रिएक्ट करेगा। फिर से pH जो है आपका इसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी हाई है तो ये क्या करेगा आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट सेंटर की बात करें तो फिर से आपका जो कार्बोनिल कार्बन है इस पे ये आपका अटैक करेगा और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ को ब्रेक हो जाएगा। तो फिर से ब्रेक होने के बाद आपके पास pH जाके अटैच हो जाएगा फिर से स्ट्रक्चर पे, तो ये आपका साइक्लोहेक्सेन रिंग हो गया, एक आपका pH ये है, दूसरा pH आपका नीचे से अटैच हो गया है और ये आपका ऑक्सीजन एज अ नेगेटिव चार्ज है जिसके साथ की MGBR एज अ सेटिस्फाइंग स्ट्रक्चर कह सकते हैं या फिर इस नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे अटैच हो जाएगा। इसके बाद अगला जो काम होता है वो होता है रिमूवल ऑफ MGBR को यहाँ से हटाना है और इस स्ट्रक्चर को आपने OH में चेंज करना है। सिंपल है बहुत ही, आप क्या करेंगे एसिडिक सॉल्यूशन लेंगे H2OH+ के साथ, सिंपली जो H2O का H होगा यानी कि वो क्या करेगा आपका इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और बचा हुआ जो OH होगा वो MGBR के साथ जुड़ जाएगा। तो सिंपल जो आपके पास स्ट्रक्चर लास्टली आएगा ये आएगा आपके पास साइक्लोहेक्सेन रिंग, एक pH आपका ऊपर है, एक pH आपने नीचे दिखाया, इसके अलावा ऑक्सीजन के साथ आपका जुड़ गया है हाइड्रोजन और जो आपका MGBR OH है वो आपका अलग हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल था यानी कि जो आपको ये लास्ट में मिला है स्ट्रक्चर, ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल जो था ये आपको वापस मिल जाता है ये रिएक्शन के बाद। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप पर्टिकुलरली डिस्कनेक्ट करके अपने टारगेट मॉलिक्यूल को वापस ला सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक अगला एग्जांपल ले रहा हूँ, उस अगले एग्जांपल को अगर हम देखें तो वो एग्जांपल भी सेम इसी की तरह है। तो आप इस एग्जांपल का वीडियो देखने से पहले हो सके तो इसको खुद ट्राई कीजिए और उसके बाद आप इसको मैच कीजिए कि क्या हमने इसको सही बनाया है कि नहीं। तो सिंपली इस स्ट्रक्चर को अब हम देखते हैं।
तो अगर इस मॉलिक्यूल को देखें तो इस मॉलिक्यूल में फिर से अगर आप देखें तो आपके पास एक अल्कोहलिक स्ट्रक्चर है जो कि दो सेम ग्रुप के साथ यहाँ फिर से अटैच है, यानी कि आपके पास फिर से डबल डिस्कनेक्शन का ऑप्शन है। यानी कि डबल डिस्कनेक्शन में आप जानते हैं कि दो स्ट्रक्चर आपके अगर सेम होते हैं तो उनको आप एक साथ डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, एक यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये दो प्लेस में आप इसको डिस्कनेक्ट करेंगे और डिस्कनेक्ट करने के बाद आपको रेट्रोसिंथेटिक एरो के बाद लिखना होता है 1.1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, और दो बार कर रहे हैं इसलिए 2.1.1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। जैसे डिस्कनेक्ट करेंगे तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बचेगा वो देख सकते हैं, एक ये स्ट्रक्चर आपके पास बचा है जिसमें कि दो स्ट्रक्चर यहाँ से अलग होने की वजह से आपके पास 2+4 यहाँ पे जनरेट होंगे, और साथ ही साथ जो सेम टाइप के स्ट्रक्चर जो दो हैं आपके पास, यानी कि ये इस तरह के दो स्ट्रक्चर आपके पास अलग होंगे। तो सिंपली अगर हम बात करते हैं इनके चेंज में, या फिर इनको अगर हम इन सिंथोन्स को अगर आप चेंज करना चाहते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट में, तो थोड़ी देर पहले कहा है हमने कि सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज करते वक्त इन्हें हमने जनरली क्या करना चाहिए, ट्रिपल एरो से जनरली हम दिखाते हैं। तो जैसे भी हमने कहा था कि नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो जनरेट होती है आपकी 1.1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन में, आपको हमेशा उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में चेंज कर लेना चाहिए कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हमने MgX ले लिया है और दो स्पीसीज इसके बनेंगे, और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा कि अगर आपके पास अल्कोहलिक स्ट्रक्चर के साथ आपका 2+ चार्ज होते हैं उनमें से एक को आप क्या करेंगे OMeOET के साथ चेंज कर लेंगे, और दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा, जो दूसरा अभी भी आपके पास प्लस चार्ज बचा होगा, ठीक है, मैं इसको दो स्टेप में दिखा रहा हूँ, तो वो आपका जो स्ट्रक्चर होगा आप उसको चेंज कर दीजिएगा डबल बॉन्ड O में, मेंटली से चेंज करते हैं, यहाँ से H आप मेंटली हटा देंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव इस प्लस के साथ जुड़ के आपका यहाँ पे एस्टर एज स्ट्रक्चर दे देगा। तो ये दो आपके टारगेट मॉलिक्यूल यहाँ पे बनते हैं जिसको हम फिर से A और B से डेजिग्नेट कर रहे हैं। तो इन्हीं A और B से आप क्या करेंगे, इस टारगेट मॉलिक्यूल को वापस जनरेट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप इसको जनरेट करते हैं। तो जनरेशन के लिए आपको यहाँ पे देखना है कि आपके पास वो दो स्ट्रक्चर लास्ट में कौन कौन से आए थे। तो दो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एक तो आपका एस्टर था कुछ इधर इस तरह से, और दूसरा जो स्ट्रक्चर था वो था आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरह से था आपका, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज विद MgCl हमने इसको शो किया था। तो फिर से अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपली क्या है कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है यानी कि जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है वो जाके अटैक करेगा आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे। तो ये आपका अटैक करेगा इधर कार्बन पे, और ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ को ब्रेक हो जाएगा। जैसे ब्रेक होता है सिंपली अगला काम क्या है कि आपको इस स्पीसीज को या इस स्ट्रक्चर को अटैच करना होता है। तो ये आपका OMe हो गया, आपका ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज ब्रेक होने के बाद MgCl इसको यहाँ पे काउंटर आयन की तरह इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और जो बाकी का बचा हुआ स्ट्रक्चर है वो आके यहाँ पे आपका अटैच हो जाता है कुछ इस तरह से। अब अगर आप देखें तो अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में सिंपल सा ये है कि जो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है वो आपका वापस कार्बन की तरफ ब्रेक होगा, और OET या OMe बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं इसलिए यहाँ से हट जाएंगे। जैसे ही हटेगा तो यहाँ पे आपका रिमूवल हो जाएगा OMe या फिर ईजिली लिविंग ग्रुप का, जो कि MgCl के साथ ये OMe आपका अलग हो जाएगा, और बचा हुआ स्ट्रक्चर यानी कि ये आपका अभी तक का प्रोडक्ट बनेगा। अगले स्टेप में आप जानते हैं कि आपके पास दो RMGX बने थे या दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट थे, तो दूसरा जो पार्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वो यहाँ पे रिएक्ट करता है, यानी कि आपका जो ये बचा हुआ स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे अटैक करेगा। सिंपल सी बात है कि फिर से आपका जो ये नेगेटिव पार्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ये आपका अटैक करता है या एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये फिर से अटैक करेगा आपके कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पे। तो कार्बोनिल बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ को, जैसे ये आएगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनशिप ब्रेक कुछ कर लेगा, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आप जानते हैं कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल था वो जाके अटैच हो जाएगा।
तो ये स्ट्रक्चर आपका पहले से था और ये नया स्ट्रक्चर इस पे ऐड हुआ है और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ आपका MgCl अटैच हो गया, जो कि हमने कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाया हुआ है। अगले स्टेप में आप जानते हैं कि सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको OH में चेंज करना है। तो OH में चेंज करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, H2O/H+ यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन लेना होगा। वाटर का जो H+ होगा वो जाके इसके साथ जुड़ जाएगा। तो सिंपल से अगर हम कहें तो O के साथ H जुड़ जाएगा, बाकी का स्ट्रक्चर जो है आपका वो कुछ इस तरह से रहेगा और जो आपका रिमेनिंग पार्ट है यानी कि MgCl है वो आपका OH के साथ यहाँ पे अटैच रहेगा या आ जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि आपको जो टारगेट मॉलिक्यूल था, जो रिक्वायर्ड टारगेट मॉलिक्यूल था, वो आपको यहाँ पे रिएक्शन के बाद मिल जाता है। तो ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, या आपको जब भी किसी भी एल्कोहलिक स्ट्रक्चर के साथ यानी कि जिस कार्बन से आपका एल्कोहल जुड़ा है उसी कार्बन से दो सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो आपको हमेशा वहाँ पे 2:1:1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन करना है, यानी कि आपको डबल डिस्कनेक्शन करना है। और जब भी डबल डिस्कनेक्शन करें तो हमेशा याद रखना है कि आपको जो आपका नेगेटिव चार्ज स्पीसीज निकल रही है वो हमेशा आपका ग्रीन डिटर्जेंट में चेंज होगा, और जो कि आपका एल्कोहलिक स्ट्रक्चर जो बचेगा उसको आप एस्टर में चेंज करें तो वो एक बहुत ही अच्छा रिएजेंट या रिएक्टेंट की तरह यहाँ पे काम करता है। तो होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, इसके कॉन्सेप्ट ज़रूर आपको समझ में आए होंगे। कोई भी क्वेरी, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में ना आए तो ज़रूर हमें कमेंट में लिखिए, या फिर कुछ क्वेश्चंस हों तो आप हमें मेल कीजिए। आपके क्वेश्चंस को हम अपने वीडियो में ऐड करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इससे बाकी को भी फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अस। थैंक यू।